अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माजिद। एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो यार ये जापानी हीटर है जो कि AR62 के ऊपर है, क्योंकि ये वीडियो 2023 में बना रहा हूँ, 22 में मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे कि यार ये AR62 का फिक्स करने का तरीका बताएं। तो मैंने यही बोला था कि मेरे पास जैसे हीटर आएगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। तो ये वीडियो शॉर्ट वीडियो ही समझ लो, 2-3 मिनट की वीडियो है, देख लेना। बेसिकली ये होता है कि इसकी जो मोटर होती है, यानी कि जो हीटिंग फैन होता है जिससे ये थ्रो फेंकता है, ये मोटर जब उसके अंदर इतनी डस्ट चली जाती है जिस वजह से मोटर चलती नहीं है, तो ये बार बार ऊपर जो डिस्प्ले आ रहा होता है जहाँ पे पावर का बटन होता है वहाँ पे, वो जब आप उसे ऑन करेंगे ना चलाने के लिए तो AR62 लिखा आ जाएगा। जैसे ही उसे प्रेस करेंगे पावर के बटन को तो ये AR62 आ जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, ये देख लें। इसकी जो मोटर है उसको ऑयल दी है, ऑयल दे के 5 से 7 मिनट, याद रखना 5 से 7 मिनट, इसे हाथ से चलाना है, डायरेक्ट नहीं चलाना। मोटर को पहले रवा करना है कि वो पुराने प्रोग्रेस पे आए, यानी कि जैसे वो पहली हालत में थी ना उसे पहली हालत में आना है। ऑयल वो आपके सामने, वो रेड कलर की बोतल पड़ी हुई है, उसे हाथ से ऑयल दी है मशीन और उसकी मोटर को। अब उसे हाथ से बाई चला भी रहे ताकि वो थोड़ी रवा हो जाए। जैसे ही वो रवा होगी ना उसके बाद आप इसे डायरेक्ट लगा के उसे चेक कर लें, या 110 अडाप्टर के साथ लगा के चेक कर लें कि ये ठीक हुआ है कि नहीं। बेसिकली यही एरर होता है। हमारे पास डेली के 10 से 15 हीटर आते हैं और ज़्यादातर हीटर यही होते हैं कि वो डायरेक्ट बिजली के साथ लगाते हैं, जल जाते हैं। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी जाके आप चेक कर लेते, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख लेना। इसमें मसला AR62 का आ रहा था और मैंने खुद देखा है, मुझे याद आ गया, मैंने कहा यार वीडियो भी बना देता हूँ, क्योंकि एक भाई ने मेरे पिछले दिन मुझे मैसेज किए हुए थे कि AR62 आ रहा है तो इसे कैसे फिक्स करना है। एक तरीका ये भी है, और दूसरा आपको ये बता दूँ, जैसे ही आप AR62 का एरर आ रहा हो तो आपने ऐसे करना है कि इसे खोल के इसे अच्छी तरह ब्लोअर मारना है, अच्छी तरह ब्लोअर मारना है इसके, बिल्कुल इसे नीट एंड क्लीन करके फिर इसकी मोटर को ऑयल देना है, एक कतरा, एक या मे बी 5-7 कतरे डाल दो, लेकिन उसे हाथ से चलाना है। तो ये आपके सामने ही है, ये देख लें, ये ठीक हो गया। अब हाथ से उसे क्या कहते हैं, छोटे सिलेंडर के साथ लगा के चेक भी करवा रहे हैं। और दूसरा ये कि हमारे पास जिस कस्टमर का था वो साथ ही खड़ा हुआ था, थोड़ी सी वीडियो भी अनकंफर्टेबल बनी नहीं है सही तरह से, क्योंकि वो बार बार कभी ये चीज़ देनी पड़ती है, कभी वो चीज़ देनी पड़ रही थी। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है ये हमारे पास इस तरह डेली 10-15 हीटर आते हैं ठीक होने के लिए। लेकिन एंड में फिर भी मैंने छोटा सा क्लिप दोबारा बना के डाला है, ताकि मैंने कहा यार एक दफ़े से फिर ब्लोअर मार दो, ताकि लोगों को भी बता दूँ कि जैसे ही इसे खोलना है तो पहले इसे ब्लोअर मारना है, अच्छी तरह से सर्विस करनी है, फिर उसके बाद ये इसकी मशीन है जो उनकी मोटर होता है उसको ऑयल का देने होते हैं 5-7 कतरे, जिस वजह से ये बेहतरीन हो जाएगा दोबारा। ये समझ लें कि ये आपका नया नया हो गया है हीटर। तो ये इस तरह की मजीद वीडियो देखनी हो तो आप यार मुझे वीडियो के नीचे मैसेज कर देना, वीडियो में कुछ रह जाए बताने के लिए कोई मसला नहीं, मुझे मैसेज वीडियो के नीचे कर देना, बता दूँगा।